जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं साहिबा बानो। चलिए रुक करते हैं जालौन की कुछ अहम खबरों का। आपको बता दें, किसान बिल के विरोध में किसान संगठनों के आह्वान पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने जालौन में घूम घूम कर कराया बाजार बंद। मोदी सरकार हाय हाय, योगी सरकार हाय हाय, काला कृषि कानून वापस लो, योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, जैसे नारे लगाते हुए प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। हालांकि इस घटनाक्रम में एक भी किसान इस भीड़ में नहीं दिखाई दिया। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने जालौन में बंद करवा कर जालौन नगर क्षेत्र में स्थित झंडा चौराहा पर धरना दिया। उसके बाद सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने नगर क्षेत्र के देवनगर चौराहे पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए आवागमन बाधित करने की कोशिश की। इस दौरान उनकी पुलिस कर्मियों से हल्की फुल्की नोकझोंक भी हुई, लेकिन इतनी ही देर में दोनों ओर से वाहनों का आवागमन बाधित हो गया और मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस भी पुलिस कर्मियों ने बड़ी मुश्किल से निकलवाई। आज एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। जब समाजवादी पार्टी सहित अन्य नेता बंद करवाने में जुटे थे, तो वहीं दूसरी ओर कोई कुछ भाजपाइयों दुकानदारों से दुकान खोलने की अपील करते नजर आए। स्थानीय दुकानदार सुबह से ही पुहा पुहा की स्थिति में दिखाई दिए। नेताओं की भीड़ देखकर दुकान बंद करता हुआ और भीड़ के जाते ही दुकान की शटर उठाता हुआ दिखाई दिया। कानून व्यवस्था व्यवस्थित करने और व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन हर तरह से मुस्तैद दिखाई दिया। जालौन से संवाददाता महेंद्र कुमार गौतम की रिपोर्ट। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर हमें जरूर बताएं। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बुंदेलखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24।